कप्तान का हुकूमत के नहले पर दहला, गिरफ्तारियों के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। कहा मजीद कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो जेलें भर देंगे। आइन को मजाक बना दिया है, 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है। आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूँ कि तैयारी कर, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर आप इसी तरह का तशद्दुद किया कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकलें, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो, जेलों को खौफ ज़दा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाज़त दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक। फवाद चौधरी को हाई कोर्ट 4 दफ़ा हाई कोर्ट ने आईजी को कहा कि मेरे सामने फवाद को लेके आओ, आईजी ने कोई परवाह नहीं, कहीं और से ऑर्डर मिल रहे थे, कोई फिक्र नहीं की उन्होंने। मैं गिनाना चाहता हूँ, इमरान रियाज को उठाया, हर वो आदमी जो रिजीम चेंज के जो सहाफी खिलाफ है, हर उस आदमी को सिंगल आउट किया है, हर उस आदमी के ऊपर जिस तरह इमरान रियाज को ये दूसरी दफ़ा उठा के लेके गए, अरशद शरीफ की जो सारे इस मुल्क के लिए जो सबसे दर्दनाक कहानी है सहाफियों की तारीख में, जो उससे किया गया, मुल्क से बाहर पर कत्ल किया गया, उसका शहीद किया गया, 18 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन ख़त्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा, हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा, कुल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स होंगे इलीगल हो जाएंगे, वो आइन के खिलाफ हो जाएगी, ये खौफ ज़दा इलेक्शन से, इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीतती, खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह, ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, ये क्यामत करेगा फलक पर बपा, गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।